अफगानिस्तान में तालिबान राज 2.0 की वापसी हो गई है। अफगान सरकार और सेना ने तालिबान के आगे घुटने टेक दिए हैं। टोलो न्यूज के मुताबिक सत्ता हस्तांतरण के बाद देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया है और वह तजाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है कि तालिबान ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। काबुल के कुछ हिस्सों में भी तालिबान लड़ाके घुस गए हैं। अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने गनी के देश छोड़े जाने की पुष्टि की है। ए अब्दुल्ला ने एक ऑनलाइन वीडियो संदेश जारी किया है और कहा है कि गनी ने कठिन समय में अफगानिस्तान छोड़ा है, खुदा उन्हें जवाबदेह ठहराएगा। तालिबानी नेताओं का कहना है कि वो अराजकता रोकने के लिए काबुल में घुस रहे हैं। वहीं काबुल में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति तेजी से बदल रही है। यूएस एम्बेसी के अनुसार तालिबान के एंट्री के बाद एयरपोर्ट पर आग लगने की खबरें हैं। पहले अंतरिम सरकार के गठन की बात कही जा रही थी, तालिबान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। तालिबान के एक अधिकारी ने जल्द ही अफगानिस्तान को इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान घोषित किए जाने की बात कही है। वहीं अफगानिस्तान के नेताओं ने तालिबान के साथ सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए एक परिषद का गठन किया। तालिबानी लड़ाके अभी काबुल के बाहरी हिस्से में हैं। तालिबान ने काबुल की जनता को आश्वासन दिया है कि देश की जनता को उनसे डरने की जरूरत नहीं है। 100 से अधिक दिनों के संघर्ष के बाद तालिबान अफगानिस्तान में पूरी तरह कब्जा कर चुका है। कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो राष्ट्रपति भवन और अमेरिकी दूतावास के पास धमाके सुने गए हैं। तालिबान के नंबर दो नेता मुल्ला बरादर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से सत्ता हस्तांतरण के लिए बातचीत करने पहुंचे थे। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि किसी भी देश को तालिबान को अफगान सरकार के रूप में मान्यता नहीं देनी चाहिए। उन्होंने नाटो के जरिए पश्चिमी देशों से अफगानिस्तान के मुद्दे पर मिलकर काम करने को कहा है। वहीं रूस अफगानिस्तान में गठित होने वाली अंतरिम सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन अफगानिस्तान के वैध प्रशासक के रूप में तालिबान को मान्यता नहीं दी है। पाकिस्तान के पूर्व आंतरिक मंत्री अली अहमद जलानी अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर सकते हैं, हालांकि तालिबान की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है। अहमद जलानी का जन्म काबुल में हुआ था, लेकिन उन्होंने पढ़ाई अमेरिका में की। तालिबान मुल्ला अहमद गनी बरादर को अपना राष्ट्रपति बना सकता है। मुल्ला अहमद गनी बरादर उन चार लोगों में से हैं जिन्होंने 1994 में पहली बार अफगानिस्तान में कंधार से तालिबान आंदोलन की शुरुआत की थी। तेजी से बदलते हुए घटनाक्रम के बीच एजेंसी ने कहा है कि 5.5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। दहशत के बीच लोग काबुल छोड़ना चाहते हैं। काबुल की सड़कों पर भारी जाम लग गया है। हिंसा को देखते हुए कई देशों ने अपने राजनयिकों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। काबुल से 129 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट A1244 दिल्ली लैंड कर चुकी है। इस पर तालिबान प्रवक्ता ने कहा है कि हम राजनयिक समुदाय को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तालिबानी प्रवक्ता ने भारत के विकास और निर्माण कार्यों की तारीफ की, लेकिन साथ ही चेताया कि भारत अफगानिस्तान में किसी भी सैन्य भूमिका से दूर रहे। भारत जिस दिन अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उसी दिन शाम को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया। पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI के शह पर क्या तालिबान ने जानबूझकर 15 अगस्त का दिन चुना, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि तालिबानी शासन भारत के हितों को कई तरह से प्रभावित करने जा रहा है। पाकिस्तान के नियंत्रण से चलने वाले तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता में वापसी के बाद अफगानिस्तान में भारत की मदद से चल रहे अरबों डॉलर की परियोजना का भविष्य खतरे में आ गया है। साथ ही ईरान के चबाहार कोर्ट में अफगानिस्तान और मध्य एशिया के दूसरे देशों को जोड़ने की भारत की योजना पर भी अब सवाल खड़ा हो गया है। उधर अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शनकारी जमा हुए हैं। प्रदर्शन में राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और अफगानिस्तान को तालिबान के कब्जे से निकालने के लिए गुहार लगा रहे हैं। उधर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।